हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बादल महतो। आज मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, थंबनेल पे तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम प्रोफेशनल टाइप के दो तरह के कैरवे सीखने वाले हैं। इसमें अगर हम चाहे तो तीन तरह के भी बना सकते हैं, लेकिन हम आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 मिनट 10 मिनट तक हम वीडियो बना सकते हैं, तो उसमें उतना ही कवर कर पाएंगे। दो तरह के ताल बताऊँगा और लास्ट में बता दूंगा कि ये तीन तरह के ताल कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा कहरवा ताल जो बजता है ना, डिट ताता तिग धाता धिन ताता तिग धाता धिन ताता तिग धाता धिन, ये चीज इसमें ही हम लोग मैं जैसे सीखा हूँ, अनुज लोधी सर ने भी मुझे जो जो सिखाया है वीडियो में, तो सबको ही सिखाया है, लेकिन उन्होंने, मैं बहुत पहले से, 2-3 साल पहले से मैं उनकी वीडियो से सीख रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने भी सिखाई और बहुत सारी चीजें मैं खुद से भी बना के मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसमें हमारा थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न बना के बजाएंगे और मैं थोड़ा बता भी दूंगा कि किस टाइप के गानों पे बजता भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस ताल को सीख लीजिए, क्योंकि ये ताल इस टाइप का ताल है ना, जैसे मान लीजिए आप, तो नॉर्मल ताल तो हर कोई बजाता है, देखिए ऐसे, ये तो हर कोई बजाता है, लेकिन इसी में थोड़ा अलग सा ताल प्रोफेशनलिटी दिखाने के लिए, देखिए इसमें दोस्तों, आप लोगों ने देखा, मैंने बजाया, इधर से भी देख लीजिए ये चीज ताल। अगर मान लीजिए कहीं पे आप प्रोग्राम में, भजन कीर्तन में बैठे हुए हैं, तो कितना भी लोग, ज्यादा से ज्यादा जो बजाने वाले होते हैं ना, जो कहीं से सीखे नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा ये चीज बजाते हैं, या फिर ऐसे करके बजाते हैं, फिर इस टाइप का धिट ताता ही बजता है उनका, इसी टाइप का। लेकिन जब आप उसमें ये चीज बजाएंगे, तो दोस्तों ये दोनों ताल आज हम सीखने वाले हैं, तो ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ताल है। कहीं पे भी अगर मान लीजिए आप लोगों के साथ भी होता होगा, और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि देखिए, सुंदरकांड टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं ना, मेरे साथ होते रहते हैं, तो जहाँ पे जाते तो दो ढोलक वाले तो आते ही आते हैं, तो मैं, बात तो होगी होगी कि वो थोड़ा अच्छा बजा रहे, तो अपने आप को भी प्रूव करना पड़ता है थोड़ा बहुत कि आपको भी कुछ ना कुछ आता है। तो इस टाइप के ताल बजाने में लोगों को और गायक को समझ में आता है, क्योंकि गायक को अगर आप जितना प्रभावित कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों वही होता है जो आपको अपने अलग अलग प्रोग्राम में ले जाता है। अगर आप ही उनके गाने के तरीके में अगर आप बजाते हैं तो आपको वही ले जाएगा। तो दोस्तों, सीख लेते हैं कि कैसे बजा। पहला ताल धातृगृता तिग धाता, 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 इधर से भी देख लीजिए कैसे बज रहा है, देखिए। इसमें स्पीड आप जितनी भी, ज्यादातर तो स्लो टाइप के पैटर्न में ही बजता है, और थोड़ा भरावट टाइप का है, क्योंकि तिरकिट बज रहा है। अब इसी स्पीड में धाता वाला बजा के देखे, ये अच्छा नहीं लग रहा, और इसी में ये बज रहा, धातृगृदाता तिग धाता, धातृगृदाता तिग धाता। तो ये बहुत अच्छी ताले, देखिए कैसे से बजा के, इधर से मैं सिखाता हूं आप लोगों को, क्योंकि इसमें बेस में थोड़ा हाथ ज्यादा लग रहा है, देखिए। धा तिरकिट ताता, इतना समझिए पहले, धातृगृदाता, झटके से बजाना, तिरकिट स्लो स्लो नहीं, तिरकिट ताता ऐसे नहीं, तिरकिट ताता, इसमें सिर्फ तिरकिट बहुत तेज बज रहा है, ऐसे बजाना है आपको, त्रिकट, और इस ताल में आपकी त्रिकट भी बिल्कुल सही है, त्रिकटा, ये चीज आपकी बहुत, त्रिकट भी इसके अंदर, अगर आप त्रिकट नहीं बजा पाते तो ये ताल अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी त्रिकट तो भूल जाइए, त्रिकट की प्रॉब्लम खत्म है आपकी इससे। देखिए कैसे बजा, धा त्रिकट ता तिग धाता, ऐसे है। तो देखिए सिंपल तरीके से पहले मैं पूरा बता देता हूँ, फिर आधा आधा करके बताता हूँ, देखिए। धा तीर कीट ताता तीग धाता, इतना है। तो पहले समझते, धा तिरगड़ ताता हाफ, धा
तिरकिट ताथा, जो लास्ट वाला ता बज रहा है ना, क और ये मिला के ताथा। था का मतलब अगर मेरे ढोलक बजाने के स्टाइल अगर आप मेरे से बहुत पहले से सीख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ता और क मिला के था बनता है मेरे स्टाइल से, कि लोगों को समझ में आ जाए। ता था, कहीं पे भी अगर आपको था मिले THA था, तो उसमें क और ता मिला के था बन जाता है। तो ये समझ जाए कि क और ये ता मिले, धा तिरिकिट ता था तिग धाता, ऐसे है। फिर से समझ, धा तिरिकिट ता था समझते हैं, धा किट ता था। दोस्तों बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरे बेस की आवाज नहीं आती, तो दोस्तों मैं कुछ दिनों में माइक लूंगा जिससे कि आप लोगों को आवाज की क्वालिटी थोड़ी अच्छी आए। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं अभी इतनी क्वालिटी में आप लोगों को दे सकता हूँ, जितना मैं अच्छा हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं अच्छी क्वालिटी लाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं, धा तीरा किट ता था, इतना समझ गए आप, धा तिरगिड़ ता था। फिर तिग धाता, पिछले वाले तार की तरह है, ती ग धा ता, समझ गए होंगे। फिर से शुरुआत से समझते हैं इधर की साइड से, बहुत लोगों को समझ में अभी भी नहीं आया होगा, तो ध्यान से इस बार समझ लीजिएगा, ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ पे देखिए, धा ती र की ट ता था, इतना समझ गए। फिर ती ग धाता, ती ग पहली उंगली से ग धा ता, ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। आगे देखिए, इतना प्रैक्टिस आपको ऐसी करनी है, धा धा तीरा कीट ता था, ऐसे धा तीरे कीट ता था, हाफ हाफ प्रैक्टिस की, धा तीरे कीट ता था, धा तीरे कीट ता था, धा तीरे कीट ता था। तिरकिट तो आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी इसके अंदर। जब मैं इस टाइप के ताल बजाने स्टार्ट किए थे तो मेरी तिरकिट लगभग बिल्कुल साफ हो गई थी शुरुआत में। तो देखिए कैसे, धा तिरकिट ता था, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, धा तिरकिट ता था तेग धा ता, धा तिरकिट ता था तेग, स्लो स्लो करके थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अपना ढोलक साथ में रखिएगा, इससे ज्यादा आपको समझ में आएगा, उस वक्त समझ में आ जाएगा। और बोल कॉपी में लिख लीजिएगा अगर मेरे बोल आपको समझ में आते हैं तो। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिएगा सुन के, तिरकिट कितनी फास्ट बज रही, लय को पहचानिए। अगर आप लय को पहचानना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप बजाना सीख जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें सिंगिंग का भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जो अगर आपको थोड़ा सा भी सिंगिंग के बारे में पता होगा कि गाना थोड़ा मतलब आपको अंदर से लगता हो कि मेरे को दिल से गाना आपको अच्छा लगता हो गाना, तो समझ लीजिए कि आप धुन पकड़ लेंगे। बहुत फास्ट बज रहा है, क्रिकेट को तेज कहिएगा। देखिए ऐसे, धाता था तेग धाता, धाता था तेग धाता, धाता था तेग धाता, धाता तेग धाता। तो दोस्तों आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस चीज का बहुत ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ये ताल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगला ताल है हमारा, धाकिट ताता तेग धाता, धाकिट ताता तेग धाता। ये कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए आसान भी हो सकती है, क्योंकि इसमें किट का प्रयोग हो रहा है। अगर किसी किट का थोड़ा प्रैक्टिस की होगी तो वो समझ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं की होगी तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसको थोड़ा बजा के बताता हूँ, फिर सीखते हैं। प्रैक्टिस करनी, देखिए दोस्तों ये तो बहुत ज्यादा आसान है, इसको सीख लेते हैं। धा किट ताता, ता किट ता था वहां पे क और ता मिल रहा है। देखिए, धा किट ता था, मैं थोड़ा स्लो बजाता हूं आपको सिखाते वक्त की ज्यादा समझ में आए। तो देखिए, धा किट ता था, इतना समझ गए, फिर से समझाता हूं। देखिए, धा ता और गे मिला के धा ट ता था, फिर उसके बाद ती ग धा ता, सेम पिछले वाले की तरह, धा इट ता था, ता
नहीं, धा किट ता था तीग धा ता धा किट ता था। समझ गए होंगे, धाकिट ताथा तेग धाता, धाकिट ताथा तेग धाता, धाकिट ताथा तेग धाता, धाकिट ताथा ते तो दोस्तों मेरे को लगा कि ये आप लोगों को समझ में आया, और ये बोल आप लोगों के लिए इसलिए है कि अगर चाहे ज्यादा तो यूज मैं भी नहीं करता हूँ गानों में, लेकिन अगर कहीं पे कंपटीशन टाइप का हो, आपके साथ कोई ढोलक वादक आपका दोस्त हो, मेरे दोस्त भी बहुत हैं जो बजाते हैं, मेरे से ही सीखे हैं और मेरे साथ बजाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, तो उन लोगों के साथ हमारा कॉम्पिटिशन होता है, वो कोई नई चीज सीखता है यूट्यूब से, कहीं से भी इधर उधर से देख देख के आके मेरे को बताता है, और जो मैं नई चीज सीखता हूँ मैं उसे बताता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मुझे लगा कि आप लोगों को समझ में आया, और दोस्तों बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये सारे ताल जो मैंने दो ताल बताए किस किस गाने में बज सकते हैं, बोलते हैं कि गा के भी बताया करो। तो दोस्तों आप इतना ध्यान रख लीजिए कि कहरवा का कोई भी सॉन्ग इस ताल पे बज सकता है, कैसा भी सॉन्ग। अब बात आती है बस स्पीड की, बस आप कोई सा भी गाना हो स्पीड नीचे ला के भी बजा सकते हैं, अगर इसी स्पीड में अगर कोई कोई बहुत सारे गाने होंगे तो आप उसको मोबाइल में ला के सुन सुन के बजा भी सकते हैं। जैसे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी ये वाला गाना है, ये थोड़ा स्लो पैटर्न में, तो इसमें बज जाएगा। देखिए मैं गा के तो बजाने पर मुश्किल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। गा के भी बता दिया, और बहुत सारे गाने होंगे जो इस पे ये चीजें यूज होती हैं, बंदिश वाले गानों में भी आप ये बजा सकते हैं, बंदिश वाले ताल की जगह पे भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगा कि आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाते रहता हूँ, और आपकी कमेंट और क्वारी जितनी भी रिक्वेस्ट होती है मैं उन पर वीडियोज बनाते रहता हूँ।